आता है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, काफी लंबा इनका रन अप भी। वही बात है फिर तो स्ट्राइक पर इस समय अरस। जी हाँ, पिछले मैच में कुछ खास करना चाहते थे, इस मैच में देखते हैं। शानदार किए, क्या गजब की गेंदबाजी, अच्छी लाइन रखी लेंच वाली गेंदबाजी। इस बार भी गेंद को समझने के लिए नाम, इस बार तो गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हुआ। पहले गेंद पे अच्छा सम्मान दिया था गेंद को, लेकिन दूसरी बार छलाया बल्लेबाज को पूरी तरह से। अभी भी खाता खोलने को बेकरार ये नुमान एंड कंपनी की टीम। इस बार उठा के खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद, मौका हो सकता है, अगर पकड़ेंगे तो शायद बेस का जाकर टूर्नामेंट हो सकते हैं। इस प्रकार से यह लगता हुआ पहला छक्का अनस के रूप में, पिछले मुकाबले में शायद कुछ खास नहीं कर पाए थे और इस बार भी परिणाम वही। अनस की भाई रिकॉर्डिंग में चला, भाई रिकॉर्डिंग में चला, बिल्कुल सुनने कर दीजिए। अरे मना नहीं है भैया, इस पूरे मैच में ना बजाओ गाना। अब अनस की जगह लेने के लिए बैट्समैन ने डुबान, ये उसी निखरने टीम के कैप्टन, वो निखरने बल्लेबाज डुबान, डुबान एंड कंपनी के होनहार कैप्टन, भरोसेमंद कैप्टन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, तकरीबन 6 फुट की हाइट, शरीर से काफी चुस्त और दुरुस्त। सही कह रहे हो जयंत भाई, दोनों मैच में 0 पे आउट हुआ है। कप्तान नुमान इनके हर बाउंड्री पे शेरू भैया, शेर बहादुर सिंह जी, उनके तरफ से 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, 101 रुपए का। तो एक बार फिर शेर चल दिए हैं, रनआउट का मौका हो सकता था, थोड़ी सी सूझबूझ की कमी, जिस तरह से पिछले मुकाबले में अपनी किस्मत शायद ऊपर से ही लिखवा के आए थे ये शहजाद, इस बार भी बाल बाल बचाइए बल्लेबाज, काफी तरबदार है इन दोनों बल्लेबाजों के। ये दुमान दाहिने हाथ के बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक में मौजूद वही भी करना सितारा शहजाद। तो शानदार गेंदबाजी, थोड़ी सी रनिंग बिटिंग में क्रिकेट में मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं, एक बार फिर शो चल रहे हैं। भरी धानी से सिंगल खेला, भरी चतुराई के साथ एक रन खिलाया और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। जी हाँ, पहले ओवर की समाप्ति पर सिर्फ एक रन, क्या गजब की गेंदबाजी शोर के द्वारा। ये खिलाड़ी हर मंच में क्या गजब का प्रदर्शन करता है, शानदार गेंदबाजी। अभी भी बिना किसी गेंद के खेले वाले स्ट्राइक पे मौजूद थे शहजाद, और फिर राउंड में नॉन स्ट्राइक थे। फिर से आपको बता दें कि इस वक्त मंच में मौजूद हमारे बीच उपस्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री अमरजीत यादव जी, साथ में अफजल खान साहब प्रेसिडेंट ऑफ ब्रेकडाउन हमारे बीच मौजूद। अब दूसरे ओवर का दारोमदार गेंदबाज होंगे, बॉलर ने सहनशाह, यह एक तरह से कल इस गेंदबाज ने अपने मुकाबले को बदल कर रख दिया था, मात्र 2 रन दिए थे अपने इस दूसरे ओवर में। ये लोग टाइम देने पर बहुत टाइम देता है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करा था, पिछले मैच में जान जो चुकी टीम के लिए सहनशाह पहली बार सामना करेंगे नुमान। क्या शानदार ये बल्लेबाज नुमान, फिर से एक बार और दर्शक बने खिलाड़ी। ये मैच हो रहा है कुशीनगर में,
हमने बताया था कि विमान के लिए हर बाउंड्री पे प्राइस है 100 रुपए का। शेर बहादुर साहब की तरफ से जो कि कसिया थाना से है, हर बाउंड्री पे अगर विमान लगाते हैं तो हर बाउंड्री पे 100 रुपए। काफी बड़ी है गुरु नाम विमान और शहजाद। फिर से शहजाद देखते हैं किस तरह से वापसी करते हैं अपने गेंदबाजी से। थैंक यू सो मच 25 स्टार देने के लिए। इस बार भी खिलाड़ी मौजूद मौका हो सकता था लेकिन गवाया। अगर कैच पकड़ने में सहाय तो ये भी बेस्ट कैच आकर टूर्नामेंट बन सकते थे। जी हाँ, सुनील के द्वारा आकर काफी अच्छी मेहनत लगी। अगर कैच करते तो बहुत ही बड़ा झटका लग सकता था। बैट सही कर रहा है भाई। जी सिक्टा मैच यहाँ पे हार गया भाई। अब जीतू उभरते सितारे की इंतजार हम सबको की वो बल्लेबाज, वो खिलाड़ी, वो होनहार खिलाड़ी शहजाद स्ट्राइक पर से मौजूद। पहले आ जाओ बल्लेबाजी क्या जहां से भाई वीडियो क्वालिटी को हम से शुरू करते हैं। शायद अगर शुरू करते हैं तो फिर इस मैच का परिणाम कुछ और होगा, लेकिन देखना होगा। जो इस मैच के बल्लेबाजों ने इनकी बल्लेबाजी को देखा था, देखा जाए क्या ये बनाते क्या। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में 63 रनों पर ये नाबाद थे। मौका हो सकता था, हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि इस बल्लेबाज ने किस्मत का वो लिखित रूप लेकर आया था आज के लिए। उस मैच में भी मौका हुआ था लेकिन गवाया था। इस बार विकेट कीपर से चूक, बहुत बड़ी चूक। दो गेंदों पे दो इतने बड़े प्लेयरों ने जीवन दान, एक तरह से कह सकते हैं तो ये दोनों बैक फोर मारे जाते हैं अपने इस रुमान इन कंपनी टीम के। जी वाह, और अंदाज के बाजी जी वाह बोल वाह। काफी बढ़िया बदलाव किया गेंदबाजी में इस गेंदबाज उभरते हुए सितारे सहनशाह ने। ये काफी कम उम्र का लड़का लेकिन जिस तरह से अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करते हैं वो काबिल तारीफ है। दो दो मौका बनाया था, एक बार विमान के लिए भी, एक बार अफजल के लिए भी। जी हाँ, शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद को छह पाने के बाद से इतनी शानदार वापसी। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसे भी बड़ा कार्य। मैं भी खेल रहा हूँ, मैं भी खेल रहा हूँ। छक्के खाने के बाद जिस तरह से वापसी किया इस गेंदबाज ने, जैत भाई मेरी बैटिंग देखा है इस गेंदबाज की। हम भी खेलते हैं भाई। तो सहिंसा एक बात थी, सहजात बिल्कुल समझ के करें, गेंदों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार ये सितारा सहिंसा, जैसा नाम वैसा ही काम। शानदार गेंदबाजी दोनों गेंदबाजों के द्वारा, क्या गजब की गेंदबाजी। आई खुश करके रख दिया, बार बार गेंद को लेकर चेक कर रहे हैं नुमान इस टीम के गेंद पर। शायद कुछ तबलीगियों से कुछ बदलाव के साथ गेंद को पूरा एक बार और चेक करते हैं। दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है, बढ़ते हुए स्कोर, स्कोर जा पहुंचा है दो ओवर की समाप्ति के बाद 8 पर। एक धीमी शुरुआत कही जाएगी। अरे भाई मुझे नहीं करने का मौका मिल रहा है भाई। सिकंजा कसकर रखा हुआ है उसे जो है स्कोर के खिलाड़ियों ने, और खास तौर से जो 8 रन 2 ओवर 8 रन एक विकेट लगने वाला झटका। यस, ये बाउंड्री लाइन के बाहर जो लोग भी अपनी पैर को ग्राउंड के अंदर लिए हैं, अपने ग्राउंड के बाहर कर ले। बैटिंग नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन कोई परवाह नहीं, मेरी टीम जीते। ये पैर को बाहर कर ले, रोड वायरिये, लेकिन जो अच्छा रोड वायरिये की तरफ की बात हो रही है। आप कृपया अपने पैर को अंदर खींच ले, खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल आपको भी हो सकता है बिल्कुल। अगर आपकी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो गई तो फिर काफी नुकसान हो जाएगा आपका, तकरीबन 5-6 हजार का बड़ा बजट और जल्दी आकर खिलाड़ियों के लिए है। वाह भाई वाह, इस बार तो उठा दिया लेकिन नीचे खिलाड़ी मौजूद। और अब तो देखना होगा कि इस मैच का, इस कैच का खामियाजा किस तरह से भुगतते हैं ये हरैया के खिलाड़ी, क्योंकि ये तीसरा कैच ड्रॉप होता हुआ, तीसरा कैच
सब लग रहा है कि जोहान्सबर्ग के खिलाड़ी मैच से पहले मक्खन मक्खन खा रहे थे, हाथ में से अभी वो मक्खन बन नहीं है बिल्कुल, वो घी और मक्खन की परत मानो कि जम गई है हाथों पे। खराब चल रही है इतनी शानदार जो है के बाद से शायद क्रिकेट गिरते जाते हैं तो दबाव बनता जाता है आपके मेहमान ने कर दिया अगली जगह पर चलिए साझा के लिए भैया एक मौका और उसके बाद से जोरदार प्रहार चले मंदिर छक्का इसी को कहते हैं चले तो नमन बिल्कुल आपने मौका दिया इसने मौके को भुलाया इस आयत को इतने बड़े बल्लेबाज को आप मौका देंगे जो पिछले मैच में 63 रन बनाया और शायद हरियाणा के सारे खिलाड़ी भी इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना देखना चाहते थे इसलिए तीन दिन कैच ड्रॉप कर चुके हैं। एक अच्छी बड़े मुकाबले के आप खेल रहे हैं तो आप ऐसे कैच को ड्रॉप करेंगे तो फिर काफी महंगा साबित हो सकता है वो कैच छोड़ना। तो सीए एक बात देखा जाए कैसे बातचीत करते हैं शहजाद के लिए। शहजाद इस बार मौके को भुलाया सुहेल ये काफी वो प्रभावित करने वाला नाम इस बड़े बल्लेबाज को चलता गया इस सुहेल ने वाह भाई वाह काफी विस्मय के साथ गेंदबाजी करता हुआ गेंदबाज ये सुहेल इस प्रकार से लगता हुआ ये दूसरा झटका ये काफी बड़ा झटका शहजाद के रूप में बहुत ही शानदार वापसी कही जाएगी वापस सुहेल के द्वारा। हमने पहले ही बताया कि ये खिलाड़ी बहुत ही होनहार बहुत ही शानदार बिल्कुल गेम को लग के खेलता है चुचान से खेलता है और कैच छोड़ने के बाद से भी शहजाद के पैर में चलता किया भले ही छक्का लगा लेकिन अगली गेंद पे क्या गजब की वापसी बिल्कुल अच्छा गेंदबाज वही होता है जो एक बाउंड्री लगने के बाद भी अपनी वापसी बेहतर तरीके से करता है और इस सुहेल से बढ़िया वापसी कोई नहीं कर सकता। तो अब बल्लेबाजी मारते गए हैं बसामा जी हाँ बसामा है जो कि शहजाद का जगह लेने गए पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं सके थे देखा जाए इस मैच में क्या कर सकते हैं। सुहेल ये जो आप विकेट लिए हैं शहजाद के रूप में तो किसी दर्शक में खुश होके आपको 101 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। आप मैच खत्म होने के बाद आप हमसे कनेक्टिंग वक्त ले लेते सुहेल को सुहेल की काफी मिस्टर है इस गेंदबाज के पास अब तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की जिस प्रकार से मैच का रुख धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है काफी दारोमदार काफी मझधार में इस समय डुमान एंड कंपनी की टीम परेशान होंगे डुमान एंड कंपनी की टीम बताओ उसको 15 रन अगली जो सीएल की सामना करके सामा और एरिया किया मौजूद मौका हो सकता है समस्या तो इस मैच में गेंद के इस कैच के महत्वपूर्ण का हो हमारे दर्शक काफी उत्साहित अपने उत्साह को आप ग्राउंड के बाहर रह के संभाले और वही से उत्साह और होकर खिलाड़ियों का सुहेल एक अलग नाम एक अलग छाप छोड़ने वाला गेंदबाज है इतना जो मिश्रण करके गेंदबाजी करता है गेंदबाज क्या ही कहना शानदार गेंदबाजी जबरदस्त गेंदबाजी बड़े प्लेयर में चलता किया सोनिया पहले ओवर में सिर्फ एक रन खिलाड़ी है भाई तो स्कोर 15 रन पे रुका हुआ और लगने वाला है तीसरा झटका बल्लेबाजी मारते गए हैं सेफर और एक और कैच ये जो कैच पकड़ा है पिंटू खान उनको किसी दर्शक की तरफ से 201 रुपए का नगद पुरस्कार हमारे पास आ गया है। मैच खत्म होने के बाद वो सामना करेंगे शेखर पहली गेंद फिर से एक और देखते हैं फिर से कितना बड़ा खामियाजा का भुगतना पड़ सकता है इतने मौके उत्पन्न कर रहे हैं के द्वारा सुहेल जबरदस्त गेंदबाजी क्या गजब की गेंदबाजी बिल्कुल समझने में नाकाम नुमान एंड कंपनी को ये 15 रन भाई बल्लेबाजों को क्या परेशान करते रखा है वो जो मैच महाराजगंज और जो मैच का हाल महाराजगंज और गोपालगंज की गेम में हुआ था सेम वही परिस्थिति इस समय इस दोनों टीमों के बीच चल रही है
जिस प्रकार से वो महाराज के गुरु बल्लेबाज अपने बेहतर कला के साथ अपने पहली मैच को शानदार तरीकों से विजय दिलाए थे, लेकिन दूसरे मैच में इस प्रकार से उनका विकेट गिरा कि मारे एक काफी बुरी तरह से हार होती इस समय उसको महाराज के दिक्कत है। उसको भाई मैं खेल लेता हूँ भाई, मेरे को कोई दिक्कत है, तू मैं खेल लेता हूँ तीन विकेट। तो चौथा बॉल कराए बफुर सारी जनता अपने पेटों का दूसरा है, टीम का चौथा बॉल सही कप्तानी है, क्योंकि ये दोनों गेंदबाज क्या गजब की गेंदबाजी करा रहे हैं। पिछले ओवर में भी सहसा एक छक्के खाने के बाद बहुत बेहतरीन वापसी किए थे। ये पानी पानी भगवान बैंक बोली कृपया ग्राउंड पे जाए, पानी भगवान तुरंत बैंक बोलिए। नहीं नहीं रह दीजिए, पानी नहीं चाहिए, कमेटी के लोग आए और मैच करो चुका है। वो बल्लेबाज अपना कैप मान गए थे, शायद वो लकी कैप हो सकता है उस बल्लेबाज का, हो सकता है जिसको पहनने के बाद वो तवातोर बल्लेबाजी कर सकते हैं। स्ट्राइक पे मौजूद नुमान, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है उन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। सहरा है मैच चल दिया, रनिंग से नजदीकर थोड़ी फील्ड में तब्दीली करते हुए सहरसा, जी हाँ समझते हैं इससे मैच के इंपॉर्टेंट को। अगर ये मैच जीतते हैं तो सीधे उनका टिकट सेमीफाइनल में दिया जाएगा। तीन ओवर शेष बचे हैं और तीन बल्लेबाज पवेलियन ले चुके हैं, कितना स्कोर और खड़ा कर पाएंगे नुमान एंड कंपनी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। चुस्त गेंदबाजी, चुस्त दुरुस्त बेहतरीन गेंदबाजी सहनसा, इस बार जमीनी तौर पे खेला लॉन्ग ओवर के खिलाड़ी के पास आसानी से रन मिल सकते थे, लेकिन मना किया। कुछ बड़ा करने की प्रयास में इस समय नुमान काफी दारोमदार होगा, एक तो ये टीम के जिम्मेदार कैप्टन और जिम्मेदार खिलाड़ी नुमान। भाई रन बहुत कम है, तीन ओवर में 15 रन, चौथा ओवर चल रहा है। तो नुमान देखा जाए पहले गेम पर रन को मना दिया, सारे हिस्से मैच को खेलना चाहते हैं सहरसा। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया गेंदबाजी सहरसा की, गयों का विश्व है इस गेंदबाज के पास। मौका नहीं दिया, देखिए पहले गेम पे सिंगल मना किया था नुमान, सोचा अगले गेम शायद खराब हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए सहरसा। ये काफी मजा होगा गेंदबाजी, समझता है कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो अल्लाह प्राप्त करा सकते हैं अपनी टीम को। इस बार थोड़ी सी गेंदबाजी में चूक और उसका अंजाम वही गेंद सीमारेखा से बाहर 6 रनों के लिए। स्लोअर गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, लेकिन इसे अच्छे से चला। लेग साइड में जो भी बाउंड्री पे बैठा है इसे छोड़ दो, पीछे आ जाए, जो भी बाउंड्री के पर्दे पे बैठा है कपड़े पे वो पीछे आ जाए, जो भी वाइट पट्टी पे बैठा हुआ है रेड पट्टी वाइट पट्टी वो पीछे हो जाए, गेंद को तुरंत लाए। शेखर है स्ट्राइक पे, शेखर सहनसा, वाह, लेकिन इस बार काफी बाहर अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ एक और रन खिलाड़ी मौजूद, लेकिन काफी दूर और इस ओवर का ये दूसरा छक्का शेखर के बल्ले से, अगर यहाँ से भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं तो एक अच्छे टोटल की तरफ अग्रसर कर सकते हैं ये नुमान एंड कंपनी के सारे खिलाड़ी और टीम। जी हाँ, ऐसा ही हमने बताया कि पिछले मैच में भी कोई बल्लेबाज सही से बल्लेबाजी कर नहीं पा रहा था, उसमें बल्लेबाज चल के आया सहजार, और इस मैच में देखिए किस प्रकार दो गेंदों पर दो छक्के लगाने को हुआ है शेखर, 100 से सहजार 100 से शेखर। जिगली गेंद सहजार, इस बार वापसी किया, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, अच्छी गेंद,
टप्पा खाने के बाद छकाया बल्लेबाज को, बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, अभी भी चौथा ओवर प्रगति के शहनशाह के रूप में। अगली दिन 2000 का कप्तान शेखर शानदार सौ हेलीकॉप्टर खेला, जब तक खेलकर फील्ड करो एक रन आसानी से, और इसे रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन। ओवर की समाप्ति 4 ओवर 30 रन, टोटल दो देखते हैं कितना बेहतर, कितना अच्छा टोटल स्कोर कर पाती है ये नुवारन कंपनी की टीम। इस टाइम पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार शेखर, और गेंदबाजी मारते होंगे सतेंद्र, होंगे तो हाथ उठा, जी हाँ सतेंद्र। आखिर दो ओवर शेष, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए पांचवा ओवर शेखर, तो पिछले ओवर में थोड़े से महीने साबित हुए सहनसा, तीन ओवर में स्कोर से सिर्फ 15, तो अगले चौथे ओवर में जो रन आए 15, तो देखा जाए सतेंद्र के हाथों में गेंद है क्या कर सकते हैं। पहली गेंद में चलिए शेखर के लिए 9 बॉल कैसा 9 बॉल फ्री हिट, ढूंढना होगा आपको इस मौके को, ये सोने पे सुहागा वाला मौका एक तरह से सेट नजर आ रही है बल्लेबाजी समय। शेखर काफी उम्मीद है आपसे, अभी भी 12 गेंद से एक अच्छे टोटल की उम्मीद शेखर, अगले गेंद लेकर चल रही है सतेंद्र, एक और अतिरिक्त रन, ये जले में नमक, एक और रनों का इजाफा, हाँ भाई सजाद आउट हो गया, थोड़ी सी और बेकरारी बढ़ती हुई दर्शकों की इस फील्ड के लिए। वापसी की इस गेंदबाज ने जिस प्रकार से थ्री हिट का चांस था भुनाते उस मौके को, लेकिन वो अच्छी लाइन अच्छी लेंथ वाली गेंदबाजी मौका रह गया शेखर को हाथ खोलने का, बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, पांचवा ओवर प्रगति पे। सतेंद्र रुवान के लिए उठा के खेल दिया लॉन्ग बॉल की खिलाड़ी के ऊपर से, ये शानदार बेहतरीन छक्का, बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, अभी भी पांचवा ओवर प्रगति है। तो तीन ओवर के बाद से लैक होती है जो उसको धरैया की टीम, उठा के खेल लिया खिलाड़ी मौजूद वही आसानी के साथ कैच को लपक लिया, इस प्रकार से नुमान टीम के कैप्टन चलता किया सतेंद्र ने, और आपको बता दें कि बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन पूरा, और बल्लेबाजी मारने जाते हुए बहुत ऊंचे होते खिलाड़ी, शायद यहाँ के दर्शकों के बहुत ऊंचे होते खिलाड़ी अकरम बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, देखा जाए हर वर्ष इस ग्राउंड पे एक अलग तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, एक अलग छाप छोड़ कर रखे हुए इस ग्राउंड पे अकरम, इसीलिए बल्लेबाजी आप साथ से दिशा में जो दर्शक है वो पट्टी पे फिर पैर रख के कहते हैं भैया पैर पीछे कर लीजिए, उठा के खेल दिया सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी के पास आसानी के साथ एक रन। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक करता A2Z ट्रेन सर्विसेज, हैवी फैसिलिटीज, एयर टिकट, वीजा स्टैम्पिंग, हज, उमरा, डेस्टिनेशन हॉलिडे पैकेज, एड्रेस रामपुरा रोड कसरा, प्रोपाइटर जनाब सनी खान। ये हमारे वॉलेंटियर इसमें अपनी हल्के हल्के कदम से चारों तरफ
है 41 रन। वेरी गुड, अच्छी गेंद है। पांचवी और छठवी गेंद में इस समय गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद। नहीं नहीं ठीक है, बस पूछे हो जाए वैसे ना समझा। तो पांच ओवर की समाप्ति पे जो स्कोर जा पहुंचा है वो है 41 रन। वो 41 आखिरी के छह गेंद शेष। देखो अच्छे टोटल की उम्मीद करनी होगी इस समय इंदुमार एंड कंपनी की टीम, लेकिन वहीं पे कुछ सूझबूझ कुछ रणनीति तैयार करती हुई इस समय अच्छी गेंदबाजी करी जाएगी। कोई 11 रन दिए बस, कुछ ज्यादा गलती किए नहीं यहाँ पे सतेंद्र बिल्कुल। और वो अहम विकेट भी झटका था जी हाँ जिसकी आवश्यक थी अनुवाद के रूप में। 30 गेंदों में बस 41 रन बना के खेल रही है नुमान एंड कंपनी। तो देखा जाए आखिरी ओवर में क्या कर सकते हैं और गेंदबाजी मारते होंगे मसीह होंगे तो हाथ उठा दो। जी हाँ मसीह मसूद अपने कोटे का पहला ओवर मसीह टीम के लिए छठवा ओवर काफी भरोसा निभाया उनके कप्तान ने उनके लिए। और दारोमदार दोनों इन बल्लेबाजों पे शेखर वही लाल टोपी लगाने के बाद इस बल्लेबाज का एकदम से रवैया बदल गया। अगली गेंद उठा के खेलना चाहते थे गेंद बल्ले का उनका अच्छा संपर्क हुआ नहीं, लेकिन आसानी के साथ स्ट्राइक गोटे ये थोड़ी सी सूझबूझ की कमी और लगता हुआ ये एक और झटका अग्रम के रूप में छठा है प्रगति पे स्कोर है 42 रन। दूसरा अगर लालच देने लेना चाहते थे लेकिन वहां पे बहुत ही समझदारी बड़ी क्रिकेट शायद को मिली जो है स्कोर की शायद वो लालची हरैया के खिलाड़ियों को पसंद आई नहीं रास नहीं आई है छटका दिया विकेट को। और अब बल्लेबाजी मार कर गए हैं बल्लेबाज अंकिता है बल्लेबाजी मारते हैं। अंकित स्ट्राइक में मौजूद होंगे सामना करेंगे मशीर के गेंदों का। तो मशीर अगले गेंद में कचल दिया अंकित के लिए और ये अंकार क्यों अभी भी इसको 42 रन पे रुका हुआ। अगर नयाज खान जो कि कीपरिंग का दौरा कर रहे वो अगर एक और स्टंपिंग करते हैं तो फराज खान उनके तरफ से 501 रुपए का नया पुरस्कार दिया जाएगा फराज खान की तरफ से। ये अगली गेंद अंकित के लिए मुफीर की मौका हो सकता था लेकिन गवाया एक रन आसानी के साथ मुकर पाए बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर जाएगी क्योंकि अंकित जो बल्लेबाज थे वो कैसे भी करके स्टेटर को स्ट्राइक चलाना चाहते थे। बाकी बचे गए शायद स्टेटर ही खेलेंगे बिल्कुल और अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए अंकित आसानी के साथ स्ट्राइक को ओवर किया थोड़ी सी जोखिम हुई लेकिन चलता है। उठा के खेल दिया खिलाड़ी मौजूद मौका हो सकता है वाह भैया बड़ी खूबसूरती के साथ कैच बॉल पकड़ लिया है और इस प्रकार से शेखर भी हर कैच सहनशाह के द्वारा। अब पहले काफी मजदार में है यहाँ पे निमान एंड कंपनी की टीम बिल्कुल पहले गेंदबाजी से अपने गेंदबाजी के प्रदर्शन से पूरे दर्शकों को दिल में एक अलग जगह बनाई थी लेकिन अब वो जरूरी और अहम कैच बना दिए क्या शानदार ये खिलाड़ी शहनशाह जैसा काम वैसा हो जाओ। तो बहुत
बहुत ही तारीफ करनी होगी चोया इसमें खरौना के इन खिलाड़ियों के द्वारा बहुत जबरदस्त लग के खेले। कैच भी जितना मिस हुए, तीन चार तो कैच मिस हुए, फिर भी इतने पांच पे रखा हुआ है बताओ इसको 43 रन। और वही वाला हाल हो गया इस समय, तू चल मैं आता हूँ, यहाँ पे जरूरत थी साथी हाथ बढ़ाना थी, लेकिन वो जरूरी पार्टनरशिप आया नहीं किसी को बल्लेबाजों के द्वारा। स्कोर बताओ स्कोर 43 है, सिर्फ 43 हरता हुआ इसको 43 है डुमान एंड कंपनी का। आखिरी ओवर छठ हुआ है प्रगति के 7 विकेट के नुकसान के बाद। आखिरी गेंद एक गेंद शेष, तो शानदार गेंदबाजी संभवतः आखिरी गेंद होगी शायद। जी हाँ देखा संता गाय बल्लेबाजी में आपको अगली गेंद आखिरी गेंद गेंद और बल्ले का पूरा कोई संपर्क नहीं, इस बार भी राउंड का मौका हो सकता था, लेकिन तो वही भी आसानी के साथ एक रन चुराया लेकिन दूसरे रन के लिए आउट। इस प्रकार से जीत के लिए टोटल स्कोर जो खड़ा किया है नुआन एंड कंपनी ने 44 रन और जीत